आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश शहर शहर खबर खबर में। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां धरने पर बैठे पहलवानों के प्रदर्शन को आज एक महीना पूरा हो गया है। और धरने का एक महीना पूरा होने पर पहलवान आज शाम 5 बजे इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालेंगे। साथ ही पहलवान बजरंग पुनिया ने लोगों से अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से निकाले जाने वाले कैंडल मार्च में शामिल हों और समर्थन करें। बताया जा रहा है कि इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालने का यह फैसला बीते 21 मई को हुई खाप पंचायत में लिया गया था। और खाप पंचायत में यह भी निर्णय लिया गया था कि जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, उस दिन संसद के बाहर महिला महापंचायत आयोजित की जाएगी। बता दें कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि मैं नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन नार्को टेस्ट बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का भी होना चाहिए। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह चुनौती को धरने पर बैठे पहलवानों ने स्वीकार भी कर लिया है। और सोमवार को बजरंग पुनिया ने ऐलान किया कि वह नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। तो आपको बता दें, आज पहलवान कैंडल मार्च निकालेंगे, वही जिसका ऐलान इन्होंने बीते दिनों करा था। उन्होंने कहा था कि जब एक महीना पूरा हो जाएगा वह कैंडल मार्च निकालेंगे, वही आज वो दिन आ गया है। और आज के दिन पहलवान कैंडल मार्च निकालेंगे। साथ ही इस कुछ दिनों पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ब्रजभूषण शरण सिंह के ट्वीट का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि वह नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार है। वहीं अब इस चीज़ को लेकर अब वो कैंडल मार्च निकालेंगे। आपको बता दें, जब महापंचायत की बैठक हुई थी उसी दौरान इस कैंडल मार्च का फैसला लिया गया था। आज इसी कैंडल मार्च को पहलवान निकालेंगे। वहीं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, आज पहलवान कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं, वहीं इस कैंडल मार्च को लेकर पहले ही उन्होंने अब बता दिया था कि ये कैंडल मार्च आज निकलेगा, वहीं कौन कौन इस कैंडल मार्च में शामिल हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से ब्रजभूषण के खिलाफ लगातार जंतर मंतर पर एक महीने से जो प्रदर्शन चल रहा है पहलवानों का, इन पहलवानों के प्रदर्शन के बीच जिस तरीके से बात जो सामने आ रही है कि आज जो कैंडल मार्च निकालने की बात है, वो कैंडल मार्च केवल और केवल ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से एक माह से लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन के बीच कई पार्टियों ने भी अपना समर्थन दिया था, जिसमें आपको याद होगा कि किसान यूनियन भी बड़ी संख्या में इन पहलवानों के बीच पहुंचा था और अपना समर्थन दिया था और एक नारेबाजी के, लेकिन इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस विभाग पूरी तरीके से लगा था। लेकिन आज जिस तरीके से कैंडल मार्च निकालने की बात कही जा रही है इंडिया गेट पर शाम को, तो इस दौरान जो अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगठन इसमें शामिल होकर उनका समर्थन करें, जिससे कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो ये अभियान है वो अभियान और मजबूत हो सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ब्रजभूषण ने इसी बीच अपने पोस्ट पर कहा था कि वो अपना नार्को टेस्ट करवाना चाहते हैं और जिनके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं वो भी अपना नार्को टेस्ट करवाएं, इसको लेकर के उसी पोस्ट का जो है जो पहलवान है उन्होंने जवाब भी दिया था कि वो अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस मामले में पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, तो पुलिस ने इसमें एक बड़ा दावा किया है कि जिस तरीके से पास्को की जो धारा लगाई गई थी उस मामले को लेकर के जब तफ्तीश हो रही थी, तो पुलिस के हाथ कुछ ऐसे भी दस्तावेज लगे हैं जिसमें जो किशोरी होने की बात आ रही थी वो बालिग है। फिलहाल बालिग अगर जो दस्तावेज अगर मिलते हैं तो उसके बाद जो पास को हटाने की बात कही जा रही है, क्योंकि पास को जब हट जाएगा तो जाहिर सी बात है जो अन्य धाराएं हैं वो उससे हल्की पड़ जाएंगी। फिलहाल जो गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी उसमें भी उन धाराओं में भी बनती है, लेकिन अभी तक जो गिरफ्तारी नहीं हुई है इसको लेकर के जो पहलवान है वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये होगी कि जिस तरीके से शाम को कैंडल मार्च निकाला जाएगा और जो एक लगातार एक महीने से विरोध चल रहा है, क्या उस विरोध के बाद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होगी या फिर जो नार्को टेस्ट की बात कही जा रही थी, क्योंकि पहले तो ब्रजभूषण ने जो पासा फेंका था कि वो नार्को टेस्ट की बात कहेंगे तो जो पहलवान है वो बैक हो जाएंगे। लेकिन तो कलीम, कहीं ना कहीं जो पहलवान है उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी, जो गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने बोला था कि पहले मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, वहीं अब जो पहलवान है उन्होंने बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं उनकी शर्तों को लेकर वो तैयार है, वो भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। वहीं अब इसको लेकर क्या कुछ आगे हो सकता है, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो नार्को टेस्ट करवाएंगे?
देखिए, पहली बात तो हम आपको बता दें कि जिस तरीके से नार्को टेस्ट जो होता है, नार्को टेस्ट से पहले जिन लोगों का नार्को टेस्ट होना होता है उनसे पहले जो है इस मामले में स्वीकृति ली जाती है, यानी कि उनकी जो उनका ए विषय पर जब स्वीकृति मिल जाती है तो स्वीकृति के बाद ये नार्को टेस्ट होता है। लेकिन जो दावा किया जा रहा था ब्रजभूषण की तरफ से कि वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं और नार्को टेस्ट में वो लोग जो पहलवान हैं जिनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो पीछे हट जाएंगे, लेकिन जब इस मामले में वो लोग भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो गए तब अभी तक इस मामले में किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि नार्को टेस्ट कोर्ट के आदेश पर होता है और कोर्ट ने अभी इस मामले में किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया है। क्योंकि कभी कहा यह जाता है कि जिस तरीके से जो आरोप लगाए जाते हैं कभी जिस मामले में कोई सफलता नहीं मिल पाती है तभी नार्को टेस्ट होता है और सच्चाई नार्को टेस्ट के जरिए सामने आता है। लेकिन अब जब नार्को टेस्ट की बात आई है तो अभी तक इसमें किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन कहा यह जाता है कि जब नार्को टेस्ट होगा तो जाहिर सी बात है इसमें जो सच्चाई है वो भी सामने आएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इतने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, पास्को की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है, तो आखिर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है? और इन्हीं गिरफ्तारियों को लेकर किसान यूनियन ने भी अपना समर्थन दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। कई और राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया लेकिन उसके बावजूद भी इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। उसी चीजों को लेकर के आज जिस तरीके से शाम को कैंडल मार्च निकालने की बात कही गई, इसके साथ ही जो अन्य संगठन है उनसे भी इस मामले को लेकर के अपील की गई है कि वो भी इसमें बड़ी संख्या में शामिल हो, जिसके बाद ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन भी ले सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक महीने से लगातार पहलवान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रदर्शन के बाद भी जो अधिकारी हैं वो इस मामले का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इन पहलवानों के द्वारा जब वो मुकदमा दर्ज कराने की बात कही गई थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में किसी तरह की कोई FIR नहीं दर्ज की थी। जब ये पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उसके आदेश पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, क्योंकि वो मुकदमा दर्ज करके उन्होंने एक तरह से कहा जाए अपना पल्ला झाड़ लिया कि कोर्ट का हमने आदेश माना, कोर्ट की अवहेलना नहीं की, कोर्ट के आदेश पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन अब जो गिरफ्तारी की बात आई है तो गिरफ्तारी में हीला हवाली क्यों हो रही है? क्योंकि जो ये धारा, ये गंभीर धारा है, क्योंकि अगर हम बात करें जैसे आम नागरिकों पर इस तरीके के जो आरोप लगते हैं, पास्को के आरोप लगते हैं या फिर 376 का आरोप लगता है या फिर उत्पीड़न का आरोप लगता है, तो इन सभी मामलों में पुलिस काफी एक्टिव होती है और उनकी गिरफ्तारी भी करती है। लेकिन जब बीजेपी से जुड़ा हुआ मामला है, ब्रजभूषण जो सांसद हैं उनके खिलाफ जब इतनी गंभीर तो जैसा कि आपने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करती है, तो क्या कोई वजह है जिसकी वजह से इस ऐसे बड़े मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कोताही बरती जा रही है? देखिए, सीधी सी बात है, क्योंकि ये मामला बीजेपी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी के वो सांसद भी हैं और इसके साथ ही जिस तरीके से भारतीय जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, इन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से पहले तो इसमें बड़ी बात है कि मुकदमा नहीं दर्ज किया जा रहा था, लेकिन अब जब मुकदमा दर्ज कर लिया गया तो केवल जाँच के नाम पर हीला हवाली की जा रही, क्योंकि अभी तक जो पास्को की जो धाराएं होती हैं, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद इस मामले में जांच पड़ताल चलती रहती है, क्योंकि पास्को में जो उसकी एज है उस एज को लेकर के जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, फिर चाहे मार्कशीट हो या फिर जो उसके आधार हैं उन सभी के को लेकर के जो है पूरी जो है उसकी एज क्लियर होती है, उसके बाद पास्को दर्ज होता है। लेकिन इस मामले में जब कोर्ट के आदेश पर पास्को दर्ज हो गया, लेकिन उसमें हीला हवाली पुलिस जो कर रही है, पुलिस इसमें दावा ये भी कर रही है कि जिनके द्वारा बताया गया कि जिस समय उनके साथ इस तरीके की घटना हुई तब ये लोग नाबालिग नहीं थे, बालिग थे, और इसके कुछ दस्तावेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं, लेकिन दस्तावेज अभी सामने नहीं लाए गए हैं। फिलहाल पुलिस दावा कर रही है कि उन दस्तावेजों के आधार पर पास्को की जो धारा है वो हटा दी जाएगी, लेकिन हटाने की बात तो ठीक है क्योंकि ये तो विवेचना का पार्ट है, लेकिन विवेचना से पहले जो गिरफ्तारी है, क्योंकि इन सभी मामलों में गिरफ्तारी तत्काल होती है, क्योंकि कोर्ट ने भी साफ इन सभी मामलों में कहा है कि पुलिस किसी तरह की हीला हवाली ना करे, लेकिन हीला हवाली साफ नजर आ रही है, जिसके कारण ब्रजभूषण सिंह लगातार अपनी पोस्ट पर भी एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार जो बात की जाए जिस तरीके से इससे पहले पहलवानों का एक आरोप था कि उनको इस मामले से पीछे हटाने के लिए धमकाया भी जा रहा, तो कहीं ना कहीं इसमें साफ है कि पुलिस अपनी हीला हवाली से बाज नहीं आ रही, जिसका पूरा फायदा ब्रजभूषण उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह होगी कि जिस तरीके से शाम को जो कैंडल मार्च निकालने की बात कही गई है, उस कैंडल मार्च के बाद क्या कुछ गिरफ्तारी होती है या फिर पहलवानों को कैंडल मार्च निकालने की अनुमति मिलती है या फिर अनुमति नहीं मिलती है, तो क्या कैंडल मार्च निकालने से उन पहलवानों को रोका जाएगा? तो कलीम, आज एक महीना हो चुका है पहलवानों के प्रोटेस्ट को, वहीं अब इसके बाद आज कैंडल मार्च निकाला जाएगा, तो क्या कुछ उम्मीद है इस कैंडल मार्च में? कितने लोग जुट सकते हैं? क्या विपक्षी पार्टी के भी लोग इसमें जुट सकते हैं?
देखिए जाहिर से बात है ईसा जी, क्योंकि जिस तरीके से आज कैंडल मार्च की बात आई है, क्योंकि जब इससे पहले विरोध किया जाता लाठीचार्ज की जब बात सामने आई थी, तो लाठीचार्ज के बाद किसान यूनियन ने अपना समर्थन दिया था और भारी संख्या में किसान यूनियन पहलवानों के साथ धरने पर बैठे थे। कुछ विपक्षी पार्टियां भी उनके समर्थन में आई थी। तो जाहिर सी बात है अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से शाम को कैंडल मार्च निकालने की बात है, तो इसमें कई संगठन अपना समर्थन भी दे सकते हैं और लगातार जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरने में लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है और इस मुद्दे के बीच कई पार्टियां अपना समर्थन देने के साथ गिरफ्तारी की मांग को लेकर आवाज भी उठा सकते हैं। फिलहाल सवाल वही बना हुआ है कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं है और गिरफ्तारी होगी तो कब होगी। जी तो कलीम, अब इस मार्च के बाद क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद कलीम। तो आपको बता दें आज पहलवान कैंडल मार्च निकालेंगे, वहीं इस कैंडल मार्च में कहीं ना कहीं उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो भी इस कैंडल मार्च में जुड़ सकते हैं। और क्या कुछ इस कैंडल मार्च के बाद निकल कर सामने आता है, क्या ब्रजभूषण सरन सिंह की गिरफ्तारी होगी, ये सब देखने वाली बात होगी। वहीं आज कैंडल मार्च निकालेंगे पहलवान। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 29 मई को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश भर के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में निकाय चुनाव के नतीजों के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। यूपी सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए बातचीत की जाएगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुहानी जुड़ चुकी है। तो सुहानी, हर पार्टी इस समय 2024 को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं अब सपा भी अपनी 2024 की तैयारियां शुरू कर चुकी है। जी ईशा, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, अब वो 29 मई से जो बैठकें करने जा रहे हैं, ये बैठक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब वो इस बैठक में जो सभी जिला अध्यक्ष और जिला के सभी महानगरों के जो अध्यक्ष होंगे उनके साथ ये बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक में जो निकाय चुनाव में मिली उनकी अच्छी सफलता से ना लेकर उसी को लेकर वो बैठकें हार्दिक के लिए मंथन करेंगे। और यह बैठक खास तौर पे 2024 के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस से टक्कर देने के लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं हम बीजेपी को अगर मात देना है तो हमें बैठकें और पूरी तरह से इस पर अच्छे से इस पर कार्य करना होगा। वह बता दें, दो दिवसीय जो 9 और 10 जून से लेके वो जो 9 विधानसभा चुनाव में लेकिन सीतापुर के नैमिसरण है वहाँ पे जाके और वो बैठकें करेंगे और 455 जो विधायकों के उनके साथ उनको प्रशिक्षण देंगे। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर लोकसभा चुनाव में जीतना है तो कहीं ना कहीं हमको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम करना पड़ेगा और अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना पड़ेगा, और इसलिए वो पूरी तरह से इस बार जद्दोजहद में लगे हुए हैं और अब पूरी तरह से निकल रहे हैं। और साफ तौर पर पिछले जितने भी नेता थे उनका यही कहना था कि जो सपा के मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो बाहर नहीं निकलते हैं, सिर्फ चुनाव के टाइम निकलते हैं। लेकिन जैसे जो निकाय चुनाव हुआ है इसे देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको इस बातों से ज़्यादा पड़ा है, फर्क पड़ा है, इसलिए अब वो निकल के आ रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, वो अपनी कार्यकर्ताओं से भी जाके मिल रहे हैं। और साफ तौर पर उनका कहना है कि 9 और 10 जून को नैमिसरण में जाके और 455 कार्यकर्ताओं के साथ प्रशिक्षण करेंगे। तो ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव भी अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लेकर काफ़ी अलर्ट दिखाई दे रहा है और इस पर पूरी तरह से कोशिशें भी कर रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें सभी पार्टियां जो है अपनी अलग अलग रैलियां कर रही है, बैठकें करने जा रही है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी। तो ऐसे तमाम जो लोकसभा चुनाव के लिए देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां अपनी जो तैयारियों में जुट गई है। जी ईशा जी, तो सुहानी, जैसे सभी पार्टियां अब 2024 के लिए अपनी पार्टी के अंदर कहीं फेरबदल करती हुई नजर आ रही है, तो क्या सपा पार्टी में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे इस चर्चा के बाद?
जी ईश, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी भी जो बैठकें करने जा रही है, कहीं ना उनका कहना है कि अब जो बैठकें करेंगे उसमें कार्यकारिणी में भी बदलाव करेंगे, और उसमें साफ तौर पर उनका कहना है कि जो निकाय चुनाव हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उनको जो ये अच्छी सफलता उसमें नहीं मिली है, तो उसको लेकर वो बदलाव करने के लिए जरूर सोचेंगे। उनका कहना है कि इस बार जो धांधली हुआ है, साफ तौर पर उनका कहना है कि जो अधिकारी हैं भाजपा के, तो वो कहीं ना कहीं इस पर अधिकारी मिलजुल के और जो चुनाव का परसेंटेज था वो कम किए हैं, और इसलिए वो उनका साफ तौर कहना है कि अधिकारियों को जो अधिकारी थे उनका तबादला दो किया जाए, क्योंकि जो अधिकारी मिलजुल के इस चुनाव में धांधली किए हैं और निकाय चुनाव में पूरी तरह से वो आरोप लगाते हुए भाजपा पर दिख रहे थे, वही उनका साफ तौर पर कहना है कि अधिकारियों में बदलाव किया जाए, और इसीलिए वो जिला जो अध्यक्ष हैं, महानगर को अध्यक्ष हैं, उसके साथ वो बैठकें करेंगे। वही आपको बता दें कि जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि निकाय चुनाव में जो हमें कहीं ना कहीं जैसे सीट पर जो नहीं मिली है जीत, हम अब बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए बैठकें करने जा रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हैं, वो भी कहीं ना कहीं भाजपा पे निशाना साधते हुए दिखे, क्योंकि उनका कहना है इस बार जो निकाय चुनाव हुआ है कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो हमें चीट किया है, धांधली किया है, क्योंकि जो अधिकारी थे वो मिल के जो लोग थे उन्हें वोट देने नहीं दे रहे थे, और इसलिए इसमें कम परसेंटेज आए। तो कहीं ना कहीं सपा भी चाहेगी कि इस बार पूरी तरह से इसमें बदलाव किया जाए कार्यकारिणी पर और उनको प्रशिक्षण देगी। जी तो सुहानी, जैसा कि आपने निकाय चुनाव का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में जो सपा पार्टी को बड़ी हार मिली है उसको लेकर भी चर्चा और मंथन हो सकता है इस चर्चा में। जी ईशा, आपको बता दें कि इस बैठक में पूरी तरह से यही मोटिव है कि जो निकाय चुनाव में उनको हार मिला है और उसी के लेकर मंथन करेंगे, उसमें बदलाव करने के लिए पूरी तरह से वो रणनीति बना रहे हैं। उनका और भी कहना इसमें साफ है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें जीतने के लिए अगर है तो हमें अभी से रणनीति तैयार करना पड़ेगा, जनसंपर्क से मिलना लोगों से करना पड़ेगा। वही आपको बता दें निकाय चुनाव में साफ तौर पर उनका ये भी कहना है कि इस बार जो मुस्लिम वोट है वो काफ़ी उनको मिली हुई है और मिलती हुई दिख रही है, लेकिन वही समाजवादी पार्टी इस बार जो पंडित और यादवों का जो कार्ड खेला था, लेकिन मुस्लिम को उतनी जगह जो है नहीं दिखाई दिया था उनकी वोटर, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव में जो भी उनको सीटें मिली है कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट ही मिला है, तो इस पर खास तौर पर और भी ध्यान दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, उनका कहना है कि निकाय चुनाव में जो हमें जो भी जीत मिली है उसे और भी बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए हमें और रणनीति तैयार करना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करना पड़ेगा, अगर बीजेपी और आरएसएस को टक्कर देना है तो मुझे पूरी तरह से इसे पूरी मजबूत करना पड़ेगा और अपनी रणनीतियों को और तैयार करके और उसे बूथ स्तर पे मजबूत करके तब हम लोकसभा चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल। सुहानी, इस चर्चा में क्या निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें मिशन 2024 को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं, वहीं अब सपा पार्टी भी बैठकें शुरू कर चुकी है आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर। अब क्या कुछ फेर बदल देखने को मिलेंगे इस बैठक में, वो देखने वाली बात होगी। जैसे बीजेपी में भी अपनी बैठक को लेकर वही कई बदलाव देखने को मिले थे, वहीं अब सपा पार्टी भी बैठक कर रही है। अब इस बैठक में वो क्या कुछ फेर बदल करती है, क्या कुछ चीज़ें बदलती है, वो देखने वाली बात होगी। 2024 को लेकर अब सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। पच्चीस मई से 3 जून तक होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने आवास पर बैठक करेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संबंध में बैठक करेंगे। ये बैठक कालीदास स्थित आवास पर होगी। तो आपको बता दें आज सीएम योगी अपने आवास पर बैठक करेंगे, वहीं ये बैठक खेलो इंडिया को लेकर की जाएगी। सीएम योगी आज अपने आवास पर इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को लेकर बैठक करेंगे। इस बैठक में जो खिलाड़ी हैं और जो गेम्स है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, इस बैठक में किन किन चीज़ों को लेकर चर्चा होगी? जी ईशा, अगर बात की जाए तो प्रदेश के अंदर में
कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की योजना खेलो इंडिया के तहत एक भव्य खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसका इस कार्यक्रम की शुरुआत अगर बात की जाए तो 25 मई से चलेगा, जो कि राजधानी लखनऊ के बीबीडी यूनिवर्सिटी का शुभारंभ की जाएगी और समापन बनारसी में किया जाएगा 3 जून को। आपको बता दें कि 21 प्रतिस्पर्धाएं होंगी, यानी कि 21 तरह के खेल होंगे और लगभग 4,700 खिलाड़ी एथलीट इसमें शिरकत करेंगे। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा और लखनऊ में खेलो इंडिया का आयोजन किया गया है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री के साथ अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल आज देर शाम 5 कालिदास मार्ग पर बैठक करेंगे। 5 कालिदास मार्ग सीएम आवास पर बैठक में अगर बात की जाए तो इस आयोजन से जुड़े सभी लोग मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री आज अपर मुख्य सचिव खेल से इस कार्यक्रम के बारे में क्या तैयारियां हैं इसको लेकर जायजा भी लेंगे। आपको बता दें कि पहले ही अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल की तरफ से निर्देश आ चुका है कि जो भी प्रतिस्पर्धा में भाग लेने खिलाड़ी प्रदेश में आ रहे हैं उनमें कोई सम्मान में या उन्हें कोई भी तरह की दिक्कत ना हो। साथ ही आपको बता दें इस खेल में लगभग 27 अंडर 27 वर्ग के खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं रखा जाएगा और बता दें कि इसके अलावा 950 स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ और 1500 वॉलंटियर को भी कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया, जिससे खेलो इंडिया को उत्तर प्रदेश में सफल बनाया जा सके। साथ ही आपको बताएं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रदेश के अंदर में लगातार जो खिलाड़ी हैं और वो कहीं ना कहीं एक लंबे बड़े मंच की आकांक्षा लगाए रहते हैं और खेलो इंडिया के इस आयोजन से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रदेश के जो तमाम एथलीट हैं उनकी बेहतरी होगी। साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो खेलों का सबसे बड़ा कुंभ ओलंपिक की रेस जो है उससे यहीं से शुरुआत होगी, क्योंकि इन खिलाड़ियों को अगर पहचान मिलेगी, विशेष सुविधाएं मिलेंगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारत के लिए बेहतरीन नाम रोशन कर सकते हैं। जी तो विभांशु, जैसा कि आपने कहा इन खेलों से जो बच्चे हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, वहीं आगे की जो आने वाली ओलंपिक्स है उसमें भी कहीं ना कहीं फायदा भी मिलेगा इसको लेकर। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो प्रदेश के खिलाड़ी हैं उनको बेहतर मंच मिलेगा तो निश्चित तौर से अपने आप को वो निखारेंगे और आने वाले जो उत्तर प्रदेश के अलावा जो कॉमनवेल्थ हो या एशियन गेम्स हो या नेशनल लेवल के गेम्स हो देश के अंदर में, इन सभी में कहीं ना कहीं वो उनके अंदर एक जुनून आएगा, हौसला आएगा और प्रदेश सरकार की अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अच्छी मुहिम है जिससे एथलीट्स को उनके ट्रैक पर ला सके। आपको बताएं कि इस आयोजन में अगर बात की जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ बीबीडी में 25 मई को किया जाएगा। आपको बताएं कि इसमें लगभग 21 खेलों को सम्मिलित किया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो गोरखपुर, जहां की पूर्वांचल से तमाम खिलाड़ी आएंगे और साथ ही साथ पूर्वांचल में भी जो तमाम दर्शक खेल को देखने जाएंगे उनके अंदर भी खेल को लेकर एक अलग चेतना जगेगी और साफ तौर से देखा जाए तो गोरखपुर के साथ साथ नोएडा और लखनऊ और तमाम जगहों पर इस खेल का आयोजन किया गया है। मुख्य रूप से 4 महानगरों में इसका आयोजन किया गया है और इसके प्रचार प्रसार को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार का अभियान तेज है, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस खेलों की लाइव स्ट्रीमिंग भी प्लेटफॉर्म्स पे दिखाई जाएगी, क्योंकि अगर बात करें तो प्रदेश के खिलाड़ी कहीं ना कहीं अपने हुनर का परिचय देंगे, अपने खेल का परिचय देंगे, अपनी मेहनत को कहीं ना कहीं अब खेल के माध्यम से दिखाएंगे तो प्रदेश भर के लोगों को देखने के लिए एक सोशल मीडिया के माध्यम से खेलो इंडिया ऐप के तहत, खेलो इंडिया पेज के तहत लाइव स्ट्रीमिंग भी खेलों की कराई जाएगी। जी जी, तो विभांशु इस बैठक में क्या खेलो इंडिया को लेकर कई उनके जो इंतजाम है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी? जी बिल्कुल, आज शाम 6 बजे 5 कालिदास मार्ग में मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव खेल और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इससे जुड़े तमाम जो लोग हैं उनके साथ बैठक करेंगे। बैठक में साफ तौर से निर्देश देंगे कि किस तरह से इसमें क्या चीज़ों को बरतना है और कैसे इस खेल को सफल बनाना है, इसको लेकर जो तमाम जिम्मेदार हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष अपनी व्याख्या पेश करेंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री से प्रेजेंटेशन करने के बाद, प्रेजेंट करने के बाद मुख्यमंत्री इसको लेकर सलाह भी दे सकते हैं।
साथ ही आपको बताया कि प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए तो अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल और साथ ही प्रदेश के युवा एवं खेल कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव की अगुवाई में पूरी तरह से इसका रूप रंग प्रदेश के अंदर में रखा जा रहा है। और निश्चित तौर से जब 3 जून को कहीं ना कहीं इस खेल का समापन होगा तो देखने वाली बात होगी कि खिलाड़ियों को कितना हौसला खेलो इंडिया के तहत इस आयोजन से मिला है। जी जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद विमांशु। वहीं ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिडनी में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे, जहां विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के अपने दूसरे दौरे पर जीवंत शहर सिडनी पहुंच गए हैं और अगले 2 दिन उनकी ऑस्ट्रेलियाई नेताओं व्यापारिक समुदाय के सदस्यों के साथ मुलाकात करेंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। साथ ही एंथोनी अल्बनीज के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठक 24 मई को होगी। वहीं प्रधानमंत्री कार्यक्रमों के बारे में विदेशी मीडिया ने कहा कि द्विपक्षीय जुड़ाव के सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें समाज में सद्भाव से संबंधित मुद्दों और दोनों समाज की सुरक्षा का मामला भी शामिल है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। तो गौरव, इस द्विपक्षीय बैठक में क्या कुछ निकल कर आ सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देशों के दौरे पर गए थे। जहाँ पर जापान की बात करें, न्यू पापुआ गुनी की बात करें, उस तरह को ऑस्ट्रेलिया में भाई से कभी नहीं था रोडोलिसी दया का दौरा है। और निश्चित रूप से दौरे के माध्यम से द्विपक्षीय संबंध को बेहतर करने, चाहे वो आपके यहाँ रक्षा नीति की बात हो, चाहे वो व्यापार नीति की बात हो, या फिर परस्पर जो आपकी वीजा नीति की बात हो, तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय समुदाय का जिस तरह उनको समर्थन मिल रहा है, भारतीय समुदाय के लोग नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो उनका बिल्कुल हर्षोत्साह उनका यहाँ पर अगवानी करते हैं। कहीं ना कहीं ये बेहतर संदेश है आम जनता के लिए भी, भारत के लिए, और कहीं ना कहीं ये गर्व का क्षण है भारत के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा है कि जो बाइडेन भी वहाँ पर एक मजाकिया अंदाज में प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेने की बात कर रहे थे, इसके अलावा द्वीप व्यापक अग्नि में भी जिस तरह उन्होंने अपने जो उनकी जो व्यवस्था है कि वो रात्रि में किसी भी देश के नागरिक को या प्रधानमंत्री को या कोई भी विशेष व्यक्ति को यहाँ पर अगवानी करने नहीं जाते, पर अगवानी के यहाँ पर अपनी व्यवस्था और अपनी परंपरा के विरुद्ध वहाँ के जेम्स स्टार पे वहाँ पर गए थे और वहाँ पर अगवानी की, और अगवानी के दौरान उन्होंने गले मिलने के बाद वहाँ पर उन्होंने पैर छू से कहने का एक बेहतर संदेश यहाँ पर गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो एंथनी अल्बनीज जो की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है, वो भी जब यहाँ पर भारत आए थे दौरे में, तो दौरे के दौरान जब वो गुजरात गए थे और वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम गए थे, वहाँ पर भी उनका 90,000 लोगों ने उनका ताली बजाकर स्वागत किया था। तो उसके बाद की भी उन्होंने चर्चा की थी कि किस तरह से भारत के लोग यहाँ पर अगवानी भी करते हैं, मेहमान नवाजी का लुत्फ भी उठाते हैं, और कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से समुदाय को संबोधित करेंगे वहां पर एक अलग संदेश जाएगा। और सिडनी में द्विपक्षीय बैठक के माध्यम से यहाँ पर वीजा नीति को लेकर, रक्षा नीति को लेकर, व्यापारिक नीति को लेकर यहाँ पे व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बात करें प्रशांत महासागर में जो द्वीप है उनके बीच में एक बैठकों का यहाँ पर दौर चलता आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि जापान, रूस और जो द्विपक्षीय देश है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें या जो छोटे छोटे द्वीप की बात करें, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लगाव और खाता लगाव है, और वहां पर जिस तरह से फिजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत के सर्वोच्च सम्मान से वहां पर विभूषित किया गया है, कहीं ना कहीं ये बेहतर संदेश भी जा रहा है। और आने वाले समय में द्विपक्षीय जो संबंध होते हैं वो बेहतर व्यवस्था को संबोधित करेंगे, बेहतर करेंगे, और कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत के लिए भी बहुत अहम है और द्विपक्षीय देश है उनके लिए बहुत अहम है। जी गौरव, जैसे कि आपने कहा कि विदेशों में भारत को कहीं ना कहीं प्रिय मोदी को गर्मजोशी से स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मिल सकता है भारत को? ये बिल्कुल यहाँ फायदा नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात है विदेश नीति यही होती है कि अगर आप किसी देश में जाते हैं वहां की आपकी अगवानी होती है, बाहर के जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो वहां रहते हैं, वो आपको गर्मजोशी स्वागत करते हैं, कहीं ना कहीं बेहतर संदेश दिया जाता है। और द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से व्यापारिक दृष्टिकोण से, रक्षा के लिहाज से और एक कूटनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपको आने वाले समय में किस तरह बेहतर संदेश देना है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्यापारिक व्यवस्था अगर बेहतर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो विस्तृत बनने का सपना देख रहा है या कूटनीतिक दृष्टि से जो हम आज भी सत्र
परिसर में हम लोग अपने आप को स्थायी सदस्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उसके लिए तमाम से इस तरह के दौरे हैं बहुत है ना, जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान मिल रहा है, उनकी अगवानी की जा रही है और जो बाहर देशों बच्चे हमारे भारतीय मूल के जो निवासी है उनका समर्थन मिल रहा है, कहने वाले आने वाले समय में ये और व्यापारिक दृष्टिकोण को बेहतर करेगा और कहीं ना कहीं आयात निर्यात की नीति से भी बेहतर है, रक्षा नीति भी बेहतर है और सबसे महत्वपूर्ण बात है भारत के कद को बढ़ाने के लेकर ये बेहतर पहल है और यहाँ पर निश्चित रूप से समर्थन मिल रहा है वो आने वाले समय भारत को और मजबूत करता नजर आएगा। जी बिल्कुल गौरव, तो अब इस दौरे से भारत को क्या कुछ फायदा मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। असम से इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो